नमस्कार किसान भाइयों, आपका भारतीय कृषि कर्मों में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, ये मशरूम से संबंधित तीसरा वीडियो है। किसान भाइयों, इससे पहले भी हमने मशरूम से संबंधित काफ़ी वीडियो बना रखे हैं। यदि आपने इन सब वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इससे पहले वह सब वीडियो देख लें। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका जो भूसा तैयार हो चुका है उसमें आप स्पॉन को डालकर आप अपने मशरूम के घरों में किस तरीके से रख सकते हैं ताकि आपका उत्पादन बहुत अच्छा हो और एक आप एक अच्छा मोटा मुनाफा कमा सके। किसान भाइयों, तो इन सब चीज़ों पे ही आज हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ज़्यादा समय ना बिताते हुए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो आप देख रहे हैं कि जो आपकी पॉलीथीन शीट है इसमें इस तरीके से आप छेद कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जो भी आपके हवा है आर पार हो सकते हैं और फिर ये जो आपने सुराग किए थे अपने पॉलीथीन को, इसको इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं ताकि जब आप भूसे को इसमें भरोगे तो उसमें भरने में आसानी हो। बस यही होता है, इसलिए ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है कि वो चिपकते नहीं हैं फिर। और इसको रख कर आपको क्या करना है कि ये जो है पूरा आपको पॉलीथीन में ऐसे सारे एक इसमें ढक कर रखना है। और आपका ये जो स्पॉन है किसान भाइयों, ये स्पॉन का विशेष ध्यान रखें। ये जो स्पॉन है ये आप पानीपत, सोनीपत, रुड़की, दिल्ली या आप पंतनगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे क्षेत्र में इन्हीं सब जगहों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप यदि चाहो तो आप ऑनलाइन भी इस जो स्पॉन है इसको आप मंगवा सकते हो किसान भाई। तो ये आपके स्पॉन यहाँ पे हैं और लगभग ये जो स्पॉन है आपका 100 रुपए पर किलो के हिसाब से मिलता है। और 40 क्विंटल भूसे का यदि आप कर रहे हैं तो उसमें लगभग जो किसान भाई से हमसे बात हुई है तो वो 70 किलो के आसपास इसकी जरूरत पड़ती है मशरूम के उत्पादन के लिए। तो आप देख रहे हैं ये गेहूं का स्पॉन है और कितना साफ सुथरा है। इसी तरीके का स्पॉन अगर होता है तो सबसे स्वस्थ स्पॉन होता है, इसमें उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए जैसा ये कलर दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही स्पॉन आपका होना चाहिए। ये गेहूं का स्पॉन है किसान भाइयों, गेहूं से बनाया गया है। और फिर इस स्पॉन को क्या करते हैं, जो भूसा आपका तैयार कर रखा है आपने, इस भूसे के ऊपर आप स्पॉन को इस तरीके से छिड़क सकते हैं। और ये भूसा कैसे तैयार किया जाएगा मैंने इसके अगले वीडियो मैंने आपको बता रखा है किसान भाइयों। ये जैसे देख रहे हैं कि इसमें स्पॉन को अच्छे से छिड़क कर फिर लेबरों के द्वारा, देख रहे होंगे कि कितने सारे लेबर इसमें काम कर रहे हैं, तो लेबरों के द्वारा इन स्पॉनों को जो पॉलीथीन बैग है उसमें भरा जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गर्मी के कारण किसान भाई ने क्या कर रखा है, ऊपर पॉलीथीन से ढका हुआ है और नीचे सारे किसान भाई काम कर रहे हैं और ये सारे भूसे को स्पॉन सहित क्या कर रहे हैं, बैग में भर रहे हैं। तो जैसा है आप अपने क्षेत्र में किस तरीके से करते हैं आप उस तरीके से आप कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से मशरूम की खेती की जाती है। और हमारे यहाँ पे किसान भाइयों, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा कमा रहे हैं मशरूम की खेती से। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप भी अच्छा कमा सकते हैं, बस आप इस वीडियो के माध्यम से एक नॉलेज गेन कर सकते हैं कि आपको काम किस तरीके से करना है। क्योंकि मशरूम की जो खेती है किसान भाइयों बहुत अच्छी खेती होती है, इसमें रिस्क बहुत कम होता है और एक मोटा मुनाफा हो जाता है। बस आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत है, यदि आपने ठीक ठाक ट्रेनिंग कहीं से ले रखी है तो आप एक बहुत अच्छा मोटा मुनाफा आप कमा सकते हो। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे किस तरीके से काम चल रहे हैं कि जो लेडीज हैं जेंट्स हैं सब एक साथ यहाँ पे काम कर रहे हो, सारे पॉलीथीन बैग को भर रहे हैं और यहाँ पे कुछ छायादार बनाया हुआ है ऊपर पॉलीथीन से ढककर, तो ऐसे आप कर सकते हो। और इसका जो आपका होता है नवंबर से मशरूम का उत्पादन चालू हो जाता है और ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने भी आपको बता रखा। अब ये सारे के सारे पॉलीथीन बैग को क्या करोगे आप अपने मशरूम घर में आप इसको रख सकते हो। और इसके 10 से 12 दिन बाद क्या होता है कि इसमें आपके क्या हो जाते हैं, कवक जाल का कवक जाल इसमें आ जाते हैं। तो ये जो वीडियो हम आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कवक जाल किस तरीके से होते हैं और उत्पादन कैसे होता है।
तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको दिखाते हैं। तो मिलते हैं हम फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।